हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल एडिशन ऑफ आवाज द वॉइस। आज हम आपके सामने जिस खास मेहमान को लेकर आ रहे हैं वो टेलीविजन की दुनिया में, थिएटर की दुनिया में भी बहुत जाना माना चेहरा है, बहुत जाना माना नाम है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत ही खूबसूरत हैं और ये बहुत अच्छी नज़में लिखते हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं। और इसके अलावा अच्छी बात या बुरी बात कह लीजिए इनकी ये है कि बड़ा लो प्रोफाइल रखते हैं अपना। इंस्टा पे जाइए आप, विकिपीडिया पे जाइए, बहुत कम मिलेगा। तो हमने सोचा क्यों ना इस खूबसूरत से मेहमान का स्वागत करें और उनसे उनके बारे में जाने, ताकि कम से कम जो लोग उनको सर्च करना चाहते हैं, इनको चाहते हैं, इनको पसंद करते हैं, वो कुछ उनके बारे में जान पाए। तो वेरी 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 वार्म वेलकम इज इकबाल आजाद साहब। आदाब आदाब आदाब, नमस्ते आप सबको। और अब मेरी तस्वीर आपको दिख रही होगी तो आपका झूठ पकड़ा गया कि मैं खूबसूरत। और अगर कभी भी लोगों को थोड़ा सा भी लग रहा कि मैं खूबसूरत हूँ तो मेरे ख्याल से फिर ये ब्यूटी कैमरे को सारा का सारा क्रेडिट जाता है जिसकी मार्फत हम लोग आमने सामने बैठे हैं आज। और इस बात को याद रखिएगा, अ लायर हैज टू हैव अ ग्रेट मेमोरी। आज जिस खूबसूरत अंदाज से आपने बोला मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और हाँ, मैं ज्यादा बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रहता हूँ, जितना मैं काम में लगा रहता हूँ। और लोग बोलते हैं कि भाई डाला करो, इवन FB वाले फोन करके बोलते हैं कि आप क्यों नहीं डालते हो इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे रेगुलर। लेकिन मेरी अपनी तहलीत है, अपनी एक सोच है, थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि मैं पुराने ख्याल का रह गया हूँ। तो मैं उन्हीं नोट पैड्स को और उन कलम के बीच के रिश्ते को ज्यादा अच्छा महसूस करता हूँ, उन्हें फील करता हूँ। तो मैं वहां ज्यादा लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा सोशल मीडिया से थोड़ा कम अटैच्ड हूँ। लेकिन अगर देखिए अफसोस की बात तो ये है कि अगर आप इंस्टा पे, फेसबुक पर, ट्विटर और उसमें नहीं है तो उसका मतलब आप ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंशियल हो जाते हैं, जो इवन आई डू नॉट लाइक इट। ये आप नहीं, हमारी फैमिली में भी लोग लाइक नहीं करते मेरी आदत को कि भाई कुछ ना कुछ मेरे बच्चे बोलते हैं पापा यू कीप ऑन पुटिंग समथिंग ना, आप कुछ भी करते हो, लिखते हो, बोलते हो या जो भी आपके काम है परफॉर्मेंसेस के वो डाला करो। लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ी सी कहीं कहीं इंसान किसी जगह पे फंस जाता है, कहीं जाके वहां से निकलने में उसे वक्त लगता है। मुझे लगता है ये वो दौर है मेरा कि मैं उससे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू कम आउट। यकीन मानिए मेरे कई बेहतरीन एक्टर दोस्त, सीनियर एक्टर्स, वो ऑलमोस्ट एवरीडे कुछ ना कुछ डालते रहते हैं इसके अंदर। और मुझे पता नहीं, दिल से बताऊं कि मुझे वो देख के बहुत खुशी नहीं होती कि अपने आप को एवरीडे ऑनलाइन रखना या लोगों की नजर में आने के लिए आप कुछ भी करें। If you feel that you have something very special to come out with, then you come out with a special rather than coming out every day with anything you have in your head. और सुबह दोपहर नाश्ता खाना वाना सब कहाँ फ्लाइट कर रहे हैं, कहाँ क्या खा रहे हैं, आज क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, अरे who is interested यार, दुनिया के पास इतना वक्त नहीं है। हाँ, आप कुछ बेहतरीन काम कर रहे हो या आपने कोई अच्छी एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बना डाली हो या एक कुछ कॉमेडी कर दी है, लोगों को हंसाने के लिए कुछ लेके आ जाए, तो मुझे लगता है इट्स वर्थ। तो मैं प्लान कर रहा हूँ, सो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू कम ऑन सोशल मीडिया विद माई समथिंग ऑफ माई स्किल, जो कि मैं बिलीव करता हूँ कि हाँ, तो मैं बिलीव करता हूँ कि कॉमेडी जो एक ऐसी चीज है जो हमेशा लोगों को खुश रखने में आगे रहती है, हालात जैसे भी हो। लेकिन अगर थोड़ी सी अच्छी कॉमेडी कोई चीज आ जाती है, सडनली आपका मूड बदल जाता है। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ और मैं जल्दी। वेरी नाइस। एक सच बात तो ये है कि बड़ा मैं शायर का नाम तो भूल गई लेकिन बड़ा अच्छा शेर है, तो खुद अपने आप से दूसरों को ज्यादा मयस्सर हो जाना, अपने आप से दूसरों को ज्यादा मयस्सर हो जाना खुद अपने आप से बेवफाई है। क्या बात, सही बात है। तो ये शायद जी, इवन लोग कहते हैं ना आउट ऑफ साइड, आउट ऑफ माइंड, लेकिन मेरा ये मानना है कि ओवर एक्सपोजर भी अच्छा नहीं है, तो बैलेंस तो करना चाहिए। सोशल मीडिया को छोड़ना भी नहीं चाहिए लेकिन समथिंग गुड, समथिंग वर्थ।
क्रिएटिविटी आपकी दिखनी चाहिए कि आप किस लेवल पे क्रिएटिव हो जाए, किस ढंग से आप लोगों को इंटरटेन करते हो, तो वो थोड़ा सा जरूरी है इसके बारे में। सच है ये, too much of availability is also very boring, monotonous होती है वो। जी, हर फ्रेम में ऐसा लगता है कि उनको लाइसेंस मिल गया है, क्योंकि वो तो रोज एक्टिंग करते हैं, कहीं ना कहीं शूटिंग करते रहते हैं, तो वो सुबह से शाम तक क्या डालते रहेंगे, मतलब कितना डालेंगे और लोग कितना देखेंगे उसको, क्यों देखेंगे, मतलब समथिंग यूज इट बट यूज इट समटाइम। हर चीज का एक, हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं, कोई भी चीज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो मैं भी देखिए कोशिश कर रहा हूँ, स्लो चल रहा हूँ, लेकिन इतना भी स्लो नहीं रहूंगा। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो इकबाल साहब, चूंकि मैंने अभी जैसे दर्शकों को बताया कि आपके बारे में बहुत कम अवेलेबल है, मैं आपका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहती हूँ। आपके फादर का क्या नाम था, क्या करते थे, वालिदा का क्या नाम है, क्या क्या वो होम मेक करती कुछ करती थी, और तीसरा सवाल ये कि कहाँ के हैं, कितने भाई बहन, पहले वो, उसके बाद ये कि आपको ये थिएटर का कीड़ा कैसे लगा, और थिएटर से फिल्म की जो जर्नी है उसके बीच में थोड़ा सा आपका स्ट्रगल वगैरह। मैं बहुत बहुत लंबा सवाल है और बहुत लंबी जर्नी है, इसको बहुत शॉर्ट में मैं कहूंगा क्योंकि फिर लोग भी बोर ना हो जाए। मेरे डैडी का नाम था मोहम्मद याकूब, मेरी अम्मा जो अभी हयात हैं उनका नाम है जरीना, और मेरे डैडी अभी रहे नहीं इस दुनिया में, और ही वॉज फ्रॉम गुजरात एंड ही ब्रॉट अप इन मुंबई एंड ही सेटल डाउन इन पटना। तो वहाँ हमारी पैदाइश हुई और पटना में ही मेरी परवरिश हुई, हमारा एजुकेशन हुआ वहीं पे, और फ्रॉम पटना आई स्टार्टेड लर्निंग एक्टिंग इन थिएटर, आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर, और वहाँ से थिएटर की शुरुआत हुई। स्कूल के जमाने में ही 9th-10th से मैंने थिएटर स्टार्ट कर दिया था, जाते मुझे याद है, और उसके बाद थिएटर करता था। मेरी ख्वाहिश हमेशा ये रही कि मैं बहुत अच्छा एक्टर बनूं। मैं कभी भी बॉम्बे नहीं आना चाह रहा था एक स्टार बनने के लिए या बहुत बहुत नाम कमाने के लिए, मैं हमेशा आना चाह रहा था कि एक बहुत अच्छा एक्टर हो, और शायद ये गरीबों वाली सोच थी मेरी, सिर्फ एक्टर ही बनना चाहता था, इसलिए मैं एक्टर तो बन ही गया, मतलब जो चाहता था वो तो मैं बन गया, अच्छा एक्टर बन गया। थिएटर ने मुझे बहुत अच्छा एक्टर बनाया, थिएटर मैंने बहुत किया। बॉम्बे आने के बाद भी मैंने ऑलमोस्ट 20 साल थिएटर किया मैं, और थिएटर नहीं छोड़ा, मैंने काम छोड़े, मैंने कई सीरियल्स छोड़ने पड़े मुझे थिएटर की वजह से, कई काम को रिफ्यूज करना पड़ा थिएटर की वजह से, और थिएटर मैंने किया। सो सीरियल्स अब कर रहा हूँ, वो भी जरूरी है, बैलेंस करना जरूरी है, तो उसको भी कर ही रहा हूँ, सीरियल्स भी चल रहे हैं 20 साल से। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अमूमन होता क्या है कि थिएटर के बाद लोगों की जो पहली छलांग होती है वो फिल्मी दुनिया होती है, और चूंकि आपके पास पर्सनालिटी थी, शक्ल सूरत थी, और वो तलफ्फुज था, सब कुछ था, तो फिल्म को छोड़ के आप टेलीविजन को दुनिया में क्यों आए? टेलीविजन मुझे इजीली मिल गया, मैं जब थिएटर कर रहा था तो उस वक्त मुझे काफी कमर्शियल्स मिलते थे, एड्स वगैरह, मैंने काफी मॉडलिंग भी की हुई है, और थोड़े प्रोडक्ट्स के नाम बताइएगा, थोड़े प्रोडक्ट्स के नाम बताइएगा, देखिए तो मैंने भी है। मेरा पहला ऐड था वो रिन का प्रोडक्ट था, रिन बायोलाइट का पहला ऐड था, और मैंने जितने भी एड्स किए हैं एज अ मेन मॉडल, उसके बाद मैंने कोल्ड रिन की भी एक ऐड की थी, जिसमें आपको याद होगा एक शख्स जिसको सर में बहुत दर्द हो रहा है और पीछे से एक आदमी पूछता है कुछ लेते क्यों नहीं, क्या हाल बना रखा है, तो वो जिसके सर में दर्द हो रहा है वो मैं ही हूँ, मेन मॉडल है उसका, जो कोल्ड रिन लेके ठीक हो जाता है वो मैं ही था। इस तरह से मैंने मारुति का ऐड किया है, मैंने वीडियोकॉन का ऐड किया है, मैंने टूथपेस्ट, टूथब्रश, जितने भी फेमस प्रोडक्ट्स रहे हैं बहुत सारे मैंने एड्स किए हैं, और गुड नाइट एंड मेलोडी खाओ खुद जान जाओ वाला मॉडल मैं हूँ, जिसकी बीबी और उसके हस्बैंड के बीच में, तो ऐसे बहुत सारे मतलब 20 ऐड किए हैं मैंने, और अच्छे तो वो थिएटर के साथ मेरे चलते रह गए थे, तो वक्त के साथ वो अब ऐड भी नहीं आते हैं और लोग भूल भी जाते हैं। इस दौर में मैं सरवाइव कर रहा हूँ आराम से, सीरियल के अंदर सीरियल भी काफी किया मैंने जी जी, और 100 से तो ऊपर मैंने सीरियल कर रखी जी, क्या बात है, वही तो
इतना मैं आपको एक बात बता दूं, दो चीजें हैं, एक तो ये चीज जो आपने अमृतांजन का एड बताया जिसमें वो कि अरे क्या ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं, वो आज तक चलता है ना, कोल्ड ड्रिंक सॉरी वो आज तक चलता है किसी की तबीयत खराब होती है उसके चेहरे पे मायूसी होती है, आज भी मेरे घर में भी पूछा जाता है ये क्या हाल बना रखा है, और दूसरा कहता है तुम देते क्यों नहीं आज तक चलता है उसका, हाँ उसका उसका उसकी मेमे आज भी बनते हैं उसके, चलता रहता है। जी, तो ऐसा जी, कुछ चल रहा था थिएटर मेरे साथ और मैं बहुत मजे कर रहा था थिएटर में, बहुत अच्छे प्लेस किए मैंने, बहुत नाम कमाया है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया है, ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड घूम के थिएटर प्ले करके मैं बहुत खुश रहता था। लेकिन जब लगा थिएटर तो मेरा घर तो नहीं बना पाएगा यार, तो फिर मुझे सीरियल में एकदम से घुसना पड़ा थिएटर छोड़ के, फिर मुझे फैमिली बनानी पड़ी, घर बनाना पड़ा। तो थिएटर की दुनिया और टेलीविजन सीरियल की दुनिया बड़ी अलग होती है, वहाँ आप लाइव ऑडियंस के सामने आप प्ले करते हैं और मिस्टेक्स की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन सीरियल्स में आप लोग एक मतलब थिएट्रिकल अंदाज नहीं होता, तो दोनों की शैली में आपको क्या फर्क लगा, वॉज इट अ कल्चर शॉक फॉर यू इन अ वे? Right. थिएटर के में जो बहुत कमाल के एक्टर्स होते हैं थिएटर में, वो मैक्सिमम वो एक्टर्स सिनेमा में और सीरियल्स में उतना कमाल नहीं दिखा पाते। सही, ये तो पक्की बात, ये पक्की बात है। बहुत कम एक्टर्स हैं जो ये बैलेंस कर लेते हैं, बहुत कम एक्टर्स हैं। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आप थिएटर में जो परफॉर्म कर रहे होते हैं वो 30 दिन के रिहर्सल के बाद कर रहे होते हैं, एक किरदार को बनाते हैं उसको पोर्ट्रेट करने के लिए, उसके छोटी छोटी डिटेलिंग के ऊपर आप काम करते हैं। सीरियल्स में आपको वो मौका बिल्कुल नहीं मिलता, थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन जब आप कैमरे के सामने जाते हैं तो वो मौका बहुत कम मिलता है, मतलब आपको 5% भी नहीं मिलता, अगर देखा जाए तो 2% भी नहीं मिलता है उसके एक्टर के बारे में डिटेलिंग में काम करने का। और सीरियल का ऐसा एक कैनवस है जहां पे आपको ये इतनी डिटेलिंग में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, लोग आपके पीछे नहीं पड़े रहते हैं कि आप इस किरदार का डिटेलिंग क्या है बताओ। तो जो क्राफ्ट वर्कर्स हैं वो थिएटर के अलग हैं और सीरियल्स के अलग है, डिमांड थिएटर के अलग है सीरियल्स के अलग है, तो वो जो बैलेंस करना बड़ा कमाल होता है वो। और दूसरा आपकी परफॉर्मेंस का एक नजरिया होता है, करने का तरीका होता है कि आप अपने परफॉर्मेंस को उस नजरिए से देखते हैं कि मुझे जो सामने बैठे हुए हैं 1000 लोग उनको सुनाना है बिना माइक के, तो आपकी आवाज वैसी होती है, आपको उस ढंग से स्पीच देनी पड़ती है, उस ढंग से लाउड बोलना पड़ता है। लेकिन सडनली माइक यहाँ पे आ जाता है तो आपकी आदत जो थिएटर की पड़ी हुई है चिल्ला के बोल लाउड बोलने की, और भाई क्या हाल चाल है वो सडनली बोलता साउंड वाला बंदा, भाई साहब इनको बोलो क्या धीरे धीरे बोले तो आके समझाएगा एक्टर को, भाई साहब थोड़ा लाउड कम करो, ओके जी ओके ठीक है आप करिए, हाँ भाई क्या है, लेकिन उसकी आदत ऐसी हो चुकी है लाउड बोलने की कि साउंड वाले का कान फट जाता है, तो भाई थोड़ा थोड़ा कम कीजिए, जिस कम कीजिए, आपका बेस बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी स्पीच पैटर्न बहुत अच्छी है, डिक्शन बहुत अच्छे हैं, थोड़ा आपके सामने खड़ा भाई साहब, लेकिन क्या सामने देखिए बोलिए क्या सामने खड़ा है, बिल्कुल आप कैसे बात करते हैं सामने को होता है तो, और भाई साहब क्या है, तो ये जो चीजें बहुत लोगों को फेस करनी पड़ती हैं थिएटर वालों को, और मैंने भी की लेकिन आई ओवरकम दैट। आपका ऑल द बेस्ट, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया है तो, जी बिल्कुल जी जी, तो उसके बारे में आप कह रहे थे कि बड़ी मजेदार कोई इंसिडेंट है आपके पास सुनाने के लिए। ऑल द बेस्ट हमारी जिंदगी का एक एक सुनहरा वर्क है, देखा जाए तो एक गोल्डन पेज जिसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे, एक ऐसी खूबसूरत चीज बन गई थी जिंदगी में जो इत्तेफाक था। हाँ डेफिनेटली हम उसी लाइन के इतनी कोशिश भी थी कि मिले कुछ ऐसा और मिल गया वो। तो थिएटर में वो प्ले बहुत ज्यादा हिट रहा, मतलब उसकी ऑडियंस इतनी रिपीट ऑडियंस रहती थी कि कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने इस शो को 25-25 बार देखा हुआ था। ओहो क्या बात,
हाँ लिटरली लिटरली वो सेलिब्रिटीज भी उनमें से बहुत सारे बड़े बड़े सब सब सेलिब्रिटीज तो ऑलमोस्ट सभी ने देखा था ये शो। थोड़ा सा एक एक स्टोरी लाइन एक लाइन में बताएंगे उसका, काफी मैंने नाम सुना इत्तेफाकन देखा नहीं है। जी जी इसमें तीन कैरेक्टर्स हुआ करते थे, चार इनफैक्ट सॉरी तीन मैं बोल रहा हूँ, चार तीन लड़के थे और एक लड़की। अच्छा। और तीनों लड़के वो डिसेबल लोग थे, एक अंधा एक बहरा एक बूढ़ा, और लड़की जो थी वो उनकी जिंदगी में आती और किस ढंग से वो लोग उस लड़की को पाना चाहते हैं और उसको पाने के प्रोसेस में कितने स्मार्ट होते हैं तीनों के तीनों एक दूसरे से बात करने में, कितना लैंग्वेज लैंग्वेज को साइन लैंग्वेज को कितना अच्छी तरह से वो हैंडल करते हैं कि वो लड़की को अंदाजा भी नहीं होने देते हैं कि ये लोग अंधे बहरे होंगे। अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप इसमें कौन से, आपकी कौन सी डिसेबिलिटी है इसके अंदर? अच्छा ओके, तो मतलब ग्लैमराइज, इसको ग्लैमराइज किया गया है, इसको सार्कास्टिक बनाया गया है लेकिन मजाक नहीं बनाया गया है। वो सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं वो तीनों, यही है पूरी कहानी। और बहुत प्यारा मैसेज है और बहुत प्यारा मैसेज है और उसका उसकी एक कहानी है जी। इसके डायरेक्टर कौन थे, माफ कीजिएगा मुझे कम जानकारी है, इसके डायरेक्टर कौन थे आपके? ऑल द बेस्ट के, ऑल द वेरी बेस्ट के। ऑल द बेस्ट के डायरेक्टर थे देवेंद्र पिंग, जिन्होंने मराठी में भी इसको डायरेक्ट किया है, गुजराती में भी डायरेक्ट किया है और हिंदी इंग्लिश और भी कई लैंग्वेजेस में डायरेक्ट किया। प्रोड्यूसर थे उसके फिरोज खान, फिरोज खान हमारे थिएटर के काफी थिएटर वाले हस्ती जी 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 काफी मशहूर हैं। अब तो अनारकली और मुगले आजम की बात करो, इंसिडेंट को ऐसे ऐसे हुए हैं उसके हमारे ऑल द बेस्ट के साथ के वो हम लोग आज भी याद करते हैं आपस में, हम तीनों दोस्त कभी कभी मिलते हैं ये बातें करते हैं तो वो सारी चीजें हम हमेशा रिकॉल करते हैं। जैसे कि एक बार हम लोग सैन फ्रांसिस्को में फ्रिस्को में शो करने गए और वहां पे हमें एक फ्लाइट बदलनी थी कहीं बीच से, हॉपिंग फ्लाइट थी, फ्लाइट चेंज की तो हमारा जो सारा का सारा सेट का लगेज था ना वो उस दूसरी फ्लाइट में नहीं जा पाया तो हम लोग सैन फ्रांसिस्को उतरे विदाउट हमारा सेट, विदाउट बॉक्स ऑफ कॉस्ट्यूम, विदाउट साउंड, विदाउट म्यूजिक, एवरीथिंग। ओके। और वहां पे क्या होता है ना, अमेरिका में आप आज यहाँ शो कर रहे हैं, कल वहां शो कर रहे हैं, परसों वहां शो कर रहे हैं, ऐसा कुछ चलता रहता है। आज ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट कहीं भी आप चेंज हो जाता है। तो हम लोगों का क्या हुआ कि जब सैन फ्रांसिस्को पहुंचे तो हमारे पास कुछ नहीं था और ऑडियंस हॉल में बैठी हुई, हम लोग लेट हो चुके थे। आप यकीन मानिएगा शो करना ही था, आधे घंटे के बाद शो स्टार्ट करना था, दूसरी फ्लाइट कब आएगी मालूम नहीं। और विदाउट एनी सेट, विदाउट एनीथिंग, विदाउट कॉस्ट्यूम, जो कपड़े हमारे पास थे वही पहने हम लोगों ने, जो जिस कार के अंदर हम लोग जा रहे थे उनके पास जो सीडी थी कार में बज रही थी उसी को म्यूजिक हम लोगों ने बना दिया फटाफट। और हॉल में पहुंचते पहुंचते जो जूलियस सीजर का सेट लगा हुआ था उसी सेट को मॉडिफाई करके, उसी सेट को मॉडिफाई करके हम लोगों ने शो किया था और वो शो आज भी हम लोग याद करते हैं। उस शो के बाद हम लोगों को 5-10 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन मिलती रही क्योंकि हम लोगों ने इतनी सेटिंग करके भी वो शो इतना लाजवाब किया था कि लोगों को लग ही नहीं रहा था कि ये वो शो नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ चार एक्टर्स आ गए। तो दैट वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम लोगों ने मिस किया करते हैं। और एक और कमाल की चीज हो गई थी इसमें, गूंगा बनता था कीकू शारदा, आप देखते होंगे आप लोग कपिल शो, और ब्रजेश हीरी एक एक्टर हैं बहुत अच्छे कॉमेडियन, वो बहरा बनते थे और मैं अंधा। और लड़की तो बदलती रहती थी, कभी मानसी कभी निवेदिता कभी ट्विंकल खन्ना भी करती थी। तो उसमें एक दिन क्या हुआ कि फर्स्ट शो के बाद पृथ्वी थिएटर पे हम लोग शो कर रहे थे और फर्स्ट शो के बाद जो बहरा है जिसके पास सारे डायलॉग्स हैं, गूंगे के पास तो डायलॉग नहीं, बहरे के पास सारे डायलॉग्स हैं, इतना बोलता है वो, इतना बोलता है कि गूंगा गूंगे की भी आवाज वही बनता है ना शो के अंदर। तो गूंगा जो एक्शन करता है वो बहरा बोलता है, वो गलत बोल देता है तो गूंगा उसको फिर पीछे से बोलता है क्या बोल रहा है भाई, इस टाइप की चीज थी वो। तो वो हुआ क्या कि पहले शो के बाद ही ब्रजेश शेर जी की आवाज खत्म हो गई, ही लॉस्ट हिज वॉइस कंप्लीटली, उसकी आवाज बिल्कुल बैठ गई।
और अब सेकंड शो कैसे हो इस चक्कर में सब परेशान। तुरंत हम लोग की इमरजेंसी मीटिंग बैठी ऊपर, प्रोड्यूसर साहब थे नहीं शो में, वो घर बैठे हुए थे, उनको फोन लगाया गया और हम लोगों ने प्लान बनाया कि कीकू तुझे याद है सारे डायलॉग्स? कीकू ने बोला यस याद है। विद इन हाफ एन आवर कीकू पूरा का पूरा ब्रजेश शेर जी यानी कि बहरा बना और ब्रजेश शेर जी गूंगा बना शो के अंदर। और यू बिलीव इट, हम लोगों ने कैसे उस शो को निकाला, वो पूरा का पूरा परफॉर्मेंस कैसे निकाल के ले गए ऑडियंस को पता भी नहीं चला। इतने ज्यादा हम लोग उस शो में घुसे हुए थे कि उसके पूरे डायलॉग कीकू ने बोले जहां भूल रहा था ब्रजेश शेर जी अपने इशारे से उसको डायलॉग बता रहे थे कि ये मेरा डायलॉग है ये बोल, इशारे से, अरे वो बोल रहा था। एंड शो वॉज गोइंग लाइक दिस। जब लोगों को बताया गया कि एक्चुअली में ये हुआ था तो दे वर अमेज्ड लाइक ओके। सो इस टाइप की चीजें थिएटर में जब होती है ना तो वो चीजें आपको एक एक नया जोश देती हैं, एक नया कुछ है। ये एक्स्ट्रा चीजें जो आपको नॉर्मली आम जिंदगी में सीरियल्स में या फिल्मों में शायद ना मिलती हो, जब आप लाइव ऑडियंस के सामने आपको वो चीजें करनी है जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसी लग रही है और आप कर जाते हैं उसको। सो वो एक्साइटमेंट, वो थ्रिल, वो सिर्फ थिएटर में मिल सकता है। ये बात तो सही है। जितने भी लोगों ने थिएटर किया है, जो थिएटर करके फिल्मी दुनिया में या टेलीविजन सीरियल की दुनिया में आए हैं, वो ये कहते हैं कि वो थ्रिल, वो मजा, वो लाइव ऑडियंस के साथ सामने परफॉर्म करने वाली वो चीज जो है, जहाँ आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो चीज जाहिर है दोनों में नहीं मिलती। जी बिल्कुल सही बात। तो ये बताइए, लेकिन जो एक्टर्स आपकी तरह सीरियल्स में आना चाहते हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि पहले थिएटर करो या ट्रेनिंग लो उसके बाद आओ? व्हाट विल बी योर टिप्स टू देम, इन अ वे टिप्स या जो भी आप कहें? क्योंकि मैं टेलीविजन सीरियल में, माजरत के साथ, टेलीविजन सीरियल्स में एक मोनोटनी देखती हूँ, एक तरह की एक्टिंग देखती हूँ। ये जो आप उठ के भी चले जाए तो आधे घंटे के बाद वही सीन चलता है जो पुरानी जमाने में सो कॉल्ड आर्ट फिल्म्स के लिए होता था, कहा जाता था। तो अब कंसीडरिंग दिस सिचुएशन, व्हाट विल यू टेल देम कि क्या चूज करना चाहिए, कैसे आना चाहिए? पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जब आपको आपको सीरियल में एक जैसी चीजें दिखती हैं, वो उसकी वजह ये है कि जब जो आजकल के यंगस्टर्स आ रहे हैं एक्टिंग करने सीरियल्स में, वो सीरियल को देख के ही आ रहे हैं, सीरियल से ही एक्टिंग सीखते हैं, तो उनकी जैसे ही कोशिश करते हैं। तो वो बात, दूसरा वाला भी आपको वैसे दिखेगा, तीसरा वाला भी वैसे दिखेगा। थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, आपको हर ढंग से तोड़ मरोड़ के आपके अंदर की सारी कमियां निकाल के बाहर फेंकी जाती है, फिर आपको नए ढंग से तैयार किया जाता है कि आप कौन है, क्या लोड लेके आए हैं अपने सर के ऊपर, कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, देखो मैं कैसे एक्टिंग कर लेता हूँ। पहले बेटा तुम घर पे भूल जाओ और ये फैक्ट्री है, यहाँ पे आपको तोड़ मरोड़ के सब बराबर कर दिया जाता है, उसके बाद आपके अंदर नई नई चीजें डालते ही है और उस चीजों को आप उसी ढंग से समझो और उसी ढंग से करो। सो दिस इज हाउ थिएटर वर्क्स। मैं आपने जैसे अमूमन लोग ये कहते हैं कि बॉम्बे में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है और अगर आप बहुत ज्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं तो लोग आपको रोज भी नहीं देते और आपका मिजाज ये है कि मुझे मांगना नहीं है, तो इस तरह के लोग जो एक खुददारी के साथ आते हैं, और उन लोगों के लिए बॉम्बे जैसी जगह क्या ऑफर करती है? बॉम्बे देखिए एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो सबसे पहले यहाँ के हिसाब से काम करना सीखना होगा। आप क्या थे, क्या लेके आए हैं, उससे मतलब नहीं है। आप बॉम्बे जब आए हैं तो आप यहाँ पे जो डिमांड है उसको पूरी करनी है आपको, ठीक है। अब उस डिमांड में आप कितने खरे उतरते हैं, आपके पास क्या नायाब चीज है, व्हाट डिफरेंट यू हैव समथिंग टू गिव और शो, यू कम आउट विद दैट। और यहाँ उसको एक्सेप्ट करने वाले लोग बहुत बैठे हैं, लेकिन अगर आप सेम चीज लेके आएंगे जो चल रहा है ट्रेंड में, तो शायद उसको उतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, भागदौड़ ज्यादा होगी, स्ट्रगल ज्यादा हो जाएगा। जी, मैं मेरे दौर में जब मैं आया था उस वक्त ये चीजें होती थी कि भाई थिएटर हम कर रहे हैं भाई, तो हम तो बहुत अच्छे एक्टर हैं, हमने थिएटर में बहुत झंडे गाड़े हैं, तो हमें लोग, हम क्यों जाए तुम्हारे पास, ऐसा थोड़ा सा रहता था। लेकिन ये चीजें मैंने रियलाइज कर ली थी थिएटर के टाइम पे कि भाई वो दुनिया अलग है, थिएटर की दुनिया अलग है। लेकिन फिर भी कई चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको आप
बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, आपका बेस है थिएटर, तो थिएटर आपका एक बेस है जो आपको जमीन से जोड़ के रखता है, थोड़ा सा उसका एक बोझ रहता है आपके कांधे पे कि आपने कुछ अच्छी चीजें सीखी हैं, आपको क्राफ्ट मालूम है, उस बोझ को लेके आप बहुत ज्यादा भाग नहीं सकते, तो आप बहुत लिमिटेड जगहों पे जाते हैं, आप बहुत लिमिटेड लोगों से मिलते हैं। जैसे कि आज कोई बॉम्बे उतरता है कानपुर से कोई लड़का, तो वो थिएटर नहीं करता है तो वो पागलों की तरह साल भर में जितनी भी जगह है सब जगह जाएगा, बोलेगा प्लीज मुझे काम दीजिए, मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ऑडिशन देना चाहता हूँ। लेकिन थिएटर वाले के साथ जिसने बहुत लंबा थिएटर किया या जो एनएसडी से आए हैं, इन लोगों के साथ थोड़ा सा बोझ रहता है उस चीज का कि मैं हर जगह कैसे भागूं। तो मेरा ये मानना है कि अब वो चीज खत्म हो गई है धीरे धीरे, पहले था अब कम हो गई है, मुझे लगता है और कम होनी चाहिए, क्योंकि आपने तैयारी तो की है लेकिन आपको मार्केट में अपना माल सेल भी करना है, तो अब वो जो है मार्केट में हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू कम आउट विद योर प्रोडक्ट विच इज वर्थ शोइंग पीपल, यू हैव टू बी वेरी वेरी ओपन क्लीन और हल्का होके आपको हर जगह जाना पड़ेगा, आपको कोई ईगो आपके साथ नहीं जाना चाहिए, कोई बैकलॉग नहीं रखना। ने भी समझेंगे कि ओटीटी ने काफी काफी वो एक्टर्स जो मनोज वाजपेयी जी कहते हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री ने जो एक्टर्स बर्बाद कर दिए थे फॉर द लैक ऑफ द काइंड ऑफ फिल्म्स दे कुड डू, अब ओटीटी ने वो पूरा पूरा विस्तार खोल दिया है उनके लिए, आप मानते हैं? बिल्कुल 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 सही बात कही है मनोज जी ने, क्योंकि वो क्या है कि जो मजबूर हो चुका था एक्टर कुछ भी करने के लिए, कुछ भी सीरियल्स में, अभी आप यकीन नहीं मानेंगे पिछले 2 साल से मैंने एक दो अच्छे शोज कर दिए जिसमें लड़की का बाप बना मैं जी। और मेरे पीछे पड़े मैं लड़की का बाप बनाने मना कर दिया है, मैं बैठूंगा घर में चलेगा, मुझे वो लड़की का बाप बन के आशीर्वाद देता हुआ मैं खुद को अच्छा नहीं लगता हूँ। तो इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, जब तक आपका किचन चल रहा है आप कम से कम अपना स्टैंड लेके रखो, जिस दिन पेट पे आफत आ जाएगी तो फिर कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट नाउ आई कैन टेक स्टैंड कि हाँ भाई ओटीटी है, ओटीटी में कुछ चीजें आ रही हैं जो आप कर सकते हैं, और वहां पे आज की फिल्में और ओटीटी प्लेटफॉर्म मिलके उन एक्टर्स को वो खाना दे रहे हैं जो खाना उनको वाकई चाहिए था, जो जिस चीज के लिए उनका क्राफ्ट तैयार था, जिस चीज के लिए वो तैयार थे, उनको मिल नहीं रहा, अब मिल रहा है। तो ये जो वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर आर्टिस्ट हो गए, अभी बड़े से बड़ा स्टार आप देखिए कैरेक्टर रोल्स कर रहा है, आप देख लीजिए वो हीरो है लेकिन वो कैरेक्टर है। तो ये चीजें ट्रेंड सालों पहले स्टार्ट की थी आमिर खान ने लगान ओगान के टाइम पे, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा हो रहा है, अब तो हर इंसान हर कैरेक्टर कुछ ना कुछ पोर्ट्रे करने के चक्कर में लगा रहता है, हर स्टार एक कैरेक्टर बनना चाहता है, तो अल्टीमेटली वो स्टारिज्म के साथ साथ वो कैरेक्टर आर्टिस्ट हर आदमी बन चुका है, जो अच्छी बात है।